देखिए, जितने भी चैप्टर आपके हो गए हैं उसमें से जो है ये चैप्टर रहता था आपका, जिसमें ये जन संचार के माध्यमों के बारे में बताया जाना है। जन संचार होता क्या है, ये आपके पास जो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो ये जन संचार वाला क्वेश्चन है ये आते ही आपको कॉपी में आपको सही ढंग से करने हैं। आपको जो है आपका जो वर्क है वो आपके ग्रुप में भी सेंड किया गया है और क्लासरूम में भी सेंड किया गया है, दो जगह अभी सेंड कर चुका हूँ मैं, रिसेंटली करा है मैंने, और इसको मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले संचार होता क्या है। संचार मीन्स किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, उसको कहते हैं संचार। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसी को हम संचार कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन। आपने आज का बहुत चलन में है वर्ड कम्युनिकेशन, किसी सूचना भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। तो एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और इसको जो है विकसित करने में जो है संचार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि आज हम जो है घर बैठे बड़ी सी बड़ी जो जानकारी है उसको प्राप्त करने में सक्षम है। कैसे कि क्योंकि आज पास इतने साधन हैं, चाहे हम टेलीविजन देख रहे हैं, चाहे इंटरनेट से कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, जो भी है, सब इतने माध्यम हमारे पास है कि हम घर बैठे जो है पूरे विश्व की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यानी संचार का मतलब है कि व्यक्ति या समूहों में किसी भी सूचना का आदान प्रदान। ठीक है, तो इसमें संचार की एक सीधी सीधी परिभाषा आप कह सकते हैं, सूचनाओं विचारों और भावनाओं का लिखित या मौखिक, लिखित रूप से या मौखिक रूप से या दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य बोलते हैं बेटा, श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो दृश्य श्रव्य कौन आता है, जैसे टेलीविजन है, इनफोटेक टीवी देखते हैं हम लोग, उसमें क्या है दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो कहने का मतलब है सूचनाओं और विचारों को और भावनाओं को लिखित या मौखिक रूप से या दृश्य श्रव्य के माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। अब आप कहेंगे लिखित कैसे, लिखित मीन्स न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, बुक्स, ये सब क्या है लिखित रूप में लिखा हुआ है, प्रिंटेड। ठीक, देन भाव मौखिक, मौखिक में जैसे हमने किसी को टेलीफोन पे कोई सूचना दे दी, फोन कर दिया, उसका कोई देखा जोखा नहीं है, लेकिन हमने उसको मौखिक बता दिया कि आपके पास ये सूचना हमने आपको फोन के थ्रू दे दी, ये होगी मौखिक। लिखित हो गई अखबार में, मौखिक हो गई बोल करके। ठीक, तीसरा दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य मीन्स आप टेलीविजन, उस पर आप न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं आराम से, आप आजकल जैसे लाइव क्लासेस है तो ये दृश्य श्रव्य आप इसको ही मान सकते हैं कि मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूँ और सुनाई भी दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं, ये दृश्य और श्रव्य, दृश्य का मतलब देखने से और श्रव्य का मतलब सुनने से है। ठीक है बेटा, अब है संचार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। संचार का तत्व होता है सबसे पहले संचारक, संचारक मीन्स जब हम किसी संदेश या भावना को किसी दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम स्रोत या संचारक कहलाते हैं। कहने का मतलब जब हम एक उद्देश्य के साथ अपने विचार या संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, उद्देश्य या हम स्रोत या संचारक कहे जाते हैं। फिर है बेटा संदेश, संदेश का जो है इसमें बड़ा महत्व है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि संदेश जो है इतनी सरल भाषा में होना चाहिए ताकि जो है उसको मिलने वालों को जो है वो आसानी से समझ में आ सके। फिर आता है माध्यम, माध्यम यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि किन किन चीज़ों द्वारा जो है संचार की प्रक्रिया सफल होती है। तो संचार किस चीज़ के द्वारा, जिन चीज़ों के द्वारा जो है संचार होता है, चाहे वो टेलीफोन है, चाहे टेलीविजन है, अखबार है, उनको हम क्या कहेंगे, संचार के माध्यम कहते हैं। ठीक, फिर होता है अगला, आता है फीडबैक।
अब आप ये सब तो आप कई बार अपने जीवन में सुन चुके होंगे कि भाई फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कीजिए, फीडबैक देनी है हमें। कि आपने फीडबैक देनी है, कैसे देते हैं फीडबैक? फीडबैक होती है कि जब किसी समाचार को हम प्राप्त करते हैं, जब हम किसी सूचना को प्राप्त करते हैं, उस पे जो हम प्रतिक्रिया देते हैं उसको कहते हैं फीडबैक। ठीक है बेटा, संदेश प्राप्त करने के जो प्राप्त करता है, जो उस संदेश के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसी को फीडबैक कहते हैं। किसी संदेश या समाचार के ऊपर श्रोता या उसके प्राप्तकर्ता द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसे हम फीडबैक कहते हैं। अब यह प्रतिक्रिया अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, दोनों तरह की जो है। आदमी रिएक्शन करता, हमने कोई बात सुनी, हो सकता है कि वो मुझे पसंद आ गई, आपको पसंद नहीं आई, तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया हम दोनों देंगे। ठीक है ना, माना अभी आपने जो देश में मुद्दा चल रहा था कि भाई NRC होगी, ये होगा, सो होगा, तो NRC में किसी लोग कुछ लोगों का मत था कि हाँ होना चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि नहीं होना चाहिए। तो ये फीडबैक है, ये प्रतिक्रिया दी लोगों ने उसके प्रति, माना कोई भी चीज़ हो XYZ, तो ये है, इसी को हम अपनी फीडबैक कहते हैं। यानी कि किसी भी संदेश या समाचार के ऊपर प्राप्तकर्ता द्वारा दी गई जो प्रतिक्रिया होती है उसी को हम फीडबैक कहते हैं। और ये प्रतिक्रिया अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की, यानी कि फेवर में भी हो सकती है और उसके अपोजिट भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है बेटा, अब आप बात आती है समूह संचार। समूह संचार क्या होता है? तो समूह संचार की बात थी, तो समूह संचार वो होता है बेटा कि जब सामूहिक प्रक्रिया, संचार की जब सामूहिक प्रक्रिया, यानी कि जब कई सारे लोग एक साथ हुए, संचार तो कई सारे लोगों में होता है, उसको हम समूह संचार कह सकते हैं। तो आज का जो होमवर्क दिया था मैंने, संचार किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन उसमें ये होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को हम संचार कहते हैं। फिर संचार की परिभाषा भी यही हो जाएगी, मतलब संचार की परिभाषा में लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। ठीक है बेटा, संचार के कितने तत्व होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया, संचारक, कूटकृत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक। ठीक है बेटा, संचारक किसे कहते हैं, कि अपने विचार, संदेश या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को संचारक कहते हैं। ठीक है बेटा, माध्यम, संचार के माध्यमों के बारे में बताया कि संचार के माध्यम क्या होते हैं, जिन साधनों के द्वारा संचार को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी वो माध्यम जिनके द्वारा हम किसी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उन्हें संचार के माध्यम कहते हैं। जैसे टेलीविजन, रेडियो और टेलीफोन, इसको हम कह सकते हैं, इनसे हम जो है कहीं भी किसी भी व्यक्ति को संचार, मतलब कोई भी सूचना भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, फीडबैक के बारे में मैंने बता दिया आपको कि जो किसी संदेश या जानकारी को प्राप्त करके, जो भी हमें किसी संदेश या सूचना को प्राप्त करने के बाद जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, हमारी या किसी भी प्राप्तकर्ता की, उसको हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है बेटा, सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? सफल संचार के लिए जो है शांति होनी चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पे जो है अनावश्यक शोरगुल ना हो, वहीं पे संचार सफल हो जाता है। क्योंकि अगर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में समाचार सुनने बैठ जाएंगे तो आप सही ढंग से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, हल्ला भी हो रहा है, तो इसलिए जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है मौखिक संचार होता है, किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते कर दी, मौखिक है। ठीक है बेटा, समूह संचार, किसी अभी बात हुई थी किसी समूह द्वारा आपस में बातचीत करना, विचार विमर्श करना, उसी को समूह संचार कहेंगे। ठीक, जन संचार के जो माध्यम है कौन कौन से हैं, सबसे पहला समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट।
ये जो है समाचार पत्र के प्रमुख माध्यम है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना है, आप लोग बने रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोई पूछना चाहता है, कुछ बताएं।